दीवानी न्यायालय में गांधी और शास्त्री की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन जनपद न्यायाधीश विनोद कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर सीजीएम के सिंह सहित अन्य अधिकारी तथा सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने गांधी और शास्त्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में जनपद न्यायाधीश विनोद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि हमें गांधी और शास्त्री जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया था। एक समय की बात थी जब वो पूरे हमारे हिंदुस्तान में अनाज की कमी थी, उसकी तरह से हमारे धर्म और परंपराओं में एकादशी का या त्योहारों का नियम है, अगर एक दिन हम व्रत रह जाते हैं तो हमारे इतना अनाज बच जाएगा, राशन दे सकते हैं। तो उनका इस तरह से विचार, जैसे एक छोटी सी घटना, वह मिलता नैतिकता के आधार पर उन्होंने तुरंत अपना इस विभाग राष्ट्रपति कहीं पुलिस के द्वारा किसी की हत्या कर दी जा रही है, किसी को गाली दे दिया जाता है, कहीं किसी को अपमानित कर दिया जाता है, आश्चर्य हो गई है। आज नहीं सोचते हैं कि तुलसी मीठे विचार जो हैं, लाल बहादुर जी के, गांधी जी के विचार हैं, उन सारे विचारों को आत्मसात करते हुए हम उनके बताए हुए मार्गों पर आगे चलें, तभी हमारे देश को जो उनके जो उन्होंने सोचा था कि एक ग्राम स्वराज का सपना, जो उन्होंने सोचा था कि हमारे देश में कि लोग हमारे पूर्वज लोग बताते हैं, पिताजी और बाबा जी बताते थे कि हम अपने पढ़ने के लिए हमारे गांव विद्यालय भी नहीं था, कक्षा 4 के विद्यालय के बाद कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा 6 में पढ़ाई के लिए वहाँ हमारे यहाँ बहुत समर्थशाली व्यक्ति था और पढ़ने के लिए जाता था। आज तो हमारे किन लोगों के प्रयास से, सरकार के प्रयास से आज हर गांव में 2-2-3 विद्यालय, तमाम तरह की सारे सुविधाएँ सब उपलब्ध हो गई हैं। अब कमी क्या है कि इन लोगों के विचारों को हम अपने आत्मसात कर लें तो हमारा देश जिस तरह से लोग कहते थे सोने की चिड़िया, पुनः सोने की चिड़िया हो जाएगी। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री